अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूँ कि इसके अंदर 4 मंथ का पीरियड है जिसके अंदर बीएस प्रोग्राम एमफिल पीएचडी वाले भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपनी है PCRWR। ठीक है, ये इसके अंदर जो है ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो इंटर्नशिप होगी। सबसे पहले इस्लामाबाद है, लाहौर है, पिशावर है, क्वेटा है, कराची है, इस तरह से बहावलपुर है, गिलगित है, मुजफ्फरबाद है। इनके अंदर इनकी वैकेंसीज खाली हैं जिनके अंदर इन्होंने मतलब कि इंटर्नशिप रखी है। कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं? बीएस प्रोग्राम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएस वाले भी और पीएचडी वाले भी। और इसके अंदर जो उन्होंने क्राइटेरिया रखा है 30 ईयर से 40 ईयर तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों। ठीक है, इसके अंदर जो बीएस प्रोग्राम वाले होंगे उनको इंटर्नशिप के लिए 35,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। 4 मंथ का ये जो है ये पीरियड है। इसके बाद एमफिल और पीएचडी वालों के लिए 50 से लेके 60,000 तक जो है वो इंटर्नशिप दी जाएगी। ये 4 मंथ का पीरियड है। इसकी अप्लाई किस तरह से करते हैं वो मैं आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूँ। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में भी अप्लाई द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ, वो कहते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करें, उसको फिलअप करें, उसके साथ अपनी अटेस्टेड कॉपीज, मैट्रिक, FSC, BS, डोमिसाइल वगैरह, ID कार्ड, उसके अलावा अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर जो है वो आपने साथ अटैच करके किस पते पर अरसाल करनी है इसी पते के ऊपर आपने सेंड कर देनी है। इसके साथ डिग्री मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द HSC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इन 2 ईयर ऑफ द लास्ट पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद अटेस्टेड कॉपीज, डिग्रीज एंड CVs शुड बी अटैच विद द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म। इसके साथ CV भी साथ अटैच करनी है और अटेस्टेड कॉपीज, सब की सब कॉपीज को अटेस्टेड भी करना है और CVs भी अटैच करनी है उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। वो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म है, किस तरह से उसको डाउनलोड करना है। ए वैलिड मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड टू द मेंशन ऑफ एप्लीकेशन, वो नंबर आपने देना है जो आपका 24 घंटे ऑन हो और एक ही नेटवर्क पर मुश्तमिल हो। टाइटल ऑफ द इंटर्नशिप कैटेगरी शुड बी मेंशन ऑफ एनवलप, जो लिफाफा आप जो आप डाक भेजेंगे, बाई पोस्ट करेंगे या TCS करेंगे, लिफाफे के ऊपर बहर अपना लिख देना है इंटर्नशिप कौन सी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आपने मेंशन कर देनी है। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फ्रॉम इंटरव्यू, जो शॉर्टलिस्ट होंगे इंटरव्यू के लिए वो उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन शुड रीच बिलो द मेंशन ऑफ एड्रेस 15 डेज, वो कहते हैं जो ये एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस के ऊपर आप सेंड करें और हमें 15 दिन से पहले पहले जो है वो वसूल हो जाए। ठीक है, चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की जानब, किस तरह से आपने अप्लाई करना है और इसी एड्रेस के ऊपर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने बाय पोस्ट करवा देना है। यहाँ हम आ गए हैं गूगल के ऊपर। जैसे ही गूगल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर सर्च करेंगे www.pcrwr.gov.pk.jobs, इसको हमने क्लिक कर लिया है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये एक वेबसाइट आ जाएगी, तो हमने इसको ओपन कर लिया है। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इसके बाद हमें ये इस तरह की वेबसाइट मिल जाएगी। ये हमारे पास एक वेबसाइट आ गया, पाकिस्तान काउंसलिंग ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज। इससे हमने एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, नीचे आ जाना है, ये हमारे पास ये लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, इसको हमने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमारे पास ये जो है ये एक एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। यहाँ पे अपना नेम लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट लिखना है, इंटर्नशिप नेम, कौन सी इंटर्न पे आप करना चाह रहे हैं और किस बेस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। नेम ऑफ एप्लीकेंट अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ पे CNIC नंबर और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपने लिखनी है। जेंडर मेल फीमेल वो आपने टिक कर देना है। इंटरेस्टेड प्लेसमेंट ऑफ, कौन सी प्लेसमेंट के ऊपर जो है वो आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखा दूँ कि कौन से ऊपर आप जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं, 3-4 जगह के ऊपर। ये देखें, ये लाहौर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, बावलपुर, क्वेटा, पिशावर, कराची, गिलगित, मुजफ्फरबाद, इन डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक को आपने टिक कर देना है।
या एक को टिक कर देना है, एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये आपके पास है, ये मैं आपको दिखा दूँ। इनमें से कोई एक जो है वो सिलेक्ट करना है, अपना एरिया कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखना है, बीएस किया हुआ तो बीएस, नहीं तो एमफिल पीएचडी, जो भी आपकी डिग्री है वो लास्ट आपने डिग्री लिख देनी है। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इफ़ एनी, अगर आपका कोई और भी एक्सपीरियंस है जैसे टीचिंग का है या हॉस्टल वार्डन का है या कहीं पर आप वर्क करते रहे हैं 2-3 मंथ, जो भी है यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लेटर जो है वो भी साथ अटैच कर देंगे। इसके बाद पोस्टल एड्रेस, जहाँ पे आपको डाक रिसीव होती हो वो आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद अपना सेल फोन, वो नंबर जो एक ही नेटवर्क पर मुश्तमिल हो और आपको डाक मतलब के कॉल वगैरह रिसीव हो या मैसेज रिसीव हो। इसके बाद यहाँ पे आपने डेट डाल देना है, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट जो है वो कर देना है, सिग्नेचर करके ये एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ अटेस्टेड कापीज़। और कहाँ पर आपने सेंड करनी है, जो मैंने यहाँ पर आपको एड्रेस बताया है, इसी एड्रेस के ऊपर जो है वो आपने सेंड कर देनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। इसकी लास्ट डेट जो है वो तकरीबन 20 जून 2023 है। ठीक है, आज या कल के दिन के अंदर आप जो है इसकी अप्लाई करके अपना डाटा जो है वो अपना सबमिट करवा दें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल ग्लोबल अकेडमी 1-2 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि आने वाली हमारी हर नई अपडेट्स जॉब के रिलेटेड, रिसर्च पेपर के रिलेटेड, यूनिवर्सिटीज़ अपडेट, एडमिशंस, गेस्ट पेपर और लेक्चर्स के हवाले से आपको इजीली आसानी से मिलते रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।